बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए साल 2020 किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कोहराम से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लगातार कई काबिल और बेहतरीन कलाकारों को खो रही है। इस साल वैसे तो कई कलाकारों ने अलविदा कह दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि कई ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है। साल 2020 खत्म भी नहीं हुआ है और अभी तक 6 कलाकारों ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी है। पहले है समीर शर्मा। कहानी घर घर की फेम समीर शर्मा ने गुरुवार को अपने मुंबई वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि एक्टर ने सुसाइड तो 2 दिन पहले किया था, लेकिन इस सुसाइड की खबर गुरुवार को सामने आई है। समीर शर्मा टीवी के एक जाने माने स्टार थे। उन्होंने कई शोज में बेहतरीन काम कर लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। एक्टर ने लीड रोल से लेकर विलन तक हर तरह के किरदार निभाए थे, लेकिन उनके यूं चले जाने से अब पूरी इंडस्ट्री सकते में है। सुशांत सिंह राजपूत। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को तो अब 2 महीने होने जा रहे हैं। 14 जून को सुशांत ने अपने मुंबई वाले फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। एक्टर की आत्महत्या की खबर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ था। एक जिंदा दिल इंसान का यूं चले जाना कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब सुशांत के मामले को सुसाइड से ज्यादा देखा जा रहा है। मामले की जांच अब सीबीआई तक पहुंच गई है। प्रेक्षा मेहता। टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने 25 मई को अपने इंदौर वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रेक्षा सिर्फ 25 साल की थी और अपने करियर में अच्छा कर रही थी। एक्ट्रेस को क्राइम पेट्रोल, लाल इश्क और मेरी दुर्गा जैसी सीरियल्स में काम करते देखा गया था, लेकिन आत्महत्या करने से पहले प्रेक्षा मेहता ने सोशल मीडिया पर सभी के लिए मैसेजेस छोड़ा था। उन्होंने लिखा था, सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। मनमीत ग्रेवाल। मनमीत ग्रेवाल को भी टीवी का एक उभरता हुआ सितारा माना जाता था, लेकिन देश में लगे लॉकडाउन ने उनकी जिंदगी को ऐसी तकलीफों से भर दिया कि उन्होंने 15 मई को आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। मनमीत ने अपनी नवी मुंबई के फ्लैट में फांसी लगा ली। एक्टर लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। दिशा सालियान। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान का निधन भी एक ऐसी पहेली बन गया जिसको सुलझाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दिशा ने 8 जून को फ्लैट की 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। मुंबई पुलिस को शुरुआती जांच में ये एक सुसाइड का ही मामला लगा था।